मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और हमारी सरकार से एक ही विनती है, एक ही डिमांड है और एक ही डिमांड के लिए हम निवेदन करते हैं कि हमें 2022 सेवा भर्ती नियम में हमारे इस त्रस्त कर्मचारियों को, इन दुखियारी बहनों को शामिल किया जाए। सीएम महोदय से, हमारे अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से हमारा एक ही निवेदन है कि हमें 2022 सेवा भर्ती नियमों में शामिल किया जाए। स्थान समग्र शिक्षक संघ और एकीकृत कर्मचारी महासंघ के समर्थन से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में काम कर रहे स्टाफ समस्त, उसमें अध्यापिकाएं, वार्डन, लिपिक, चौकीदार, रसोईया सारे शामिल है, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कस्तूरबा गांधी के जो स्टाफ है, अध्यापिका, वार्डन है, जो योग्यताधारी है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट किया जाए, ये मुख्य हमारा एजेंडा है। और जो हमारे चौकीदार रसोईये हैं उनका मानदेय वृद्धि की जाए, साथ ही जो मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर मानदेय वृद्धि की गई और इनकी नहीं की गई, उसका कारण क्या रहा पता नहीं, किंतु उनका भी अभी वो मानदेय भी बढ़ा करके इनके 15 वर्ष का पीछे की गणना करते हुए पे फिटिंग किया जाए। सुबह हमारे यहाँ पर आदरणीय प्रताप सिंह जी खचरियावास साहब मंत्री जी पधारे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि संविदा सेवा नियम में एडॉप्शन के लिए हम कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में आपकी बात रखेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा, वो ऐसा आश्वासन देकर गए। अब हम उनके आश्वासन के आधार पर धरना आगे चलावें या नहीं चलावें, उनका अभी हमारे कार्यकारिणी के साथ में मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे। डूंगरपुर से आई हूँ, कल हमारे डूंगरपुर में भारी वर्षा थी और रेड अलर्ट भी था, फिर भी हम वहाँ से गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत हैं और हम 2007 से सर अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने अभी सब तक उसमें विद्यार्थी मित्रों को तो उसमें शामिल किया, लेकिन हम ये महिलाएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वह 24 घंटों की ड्यूटी करते नहीं देखा और हम कुछ नहीं किया, इसलिए बैठे और अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी पधारे थे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कल कैबिनेट की बैठक है और उसमें वो हमारे मुद्दे को उठाएंगे और हमारे लिए उन्होंने आशा भरी न्यूज़ दी है, तो और हमें भी विश्वास है कि सर ऐसा ही करेंगे, हमें अपनी सरकार पर विश्वास है कि वो हमारे सामने देखेंगे।